हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के पास मैं चना मसाला का रेसिपी लेके आया हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ने ऑनियन को चॉप कर लिया है इस तरीके से। हम लोग ने लिया है ग्रीन चिलीज, गार्लिक, ये चना पहले उबाल के रखा है। सो ऑनियन को इस तरह का आप चॉप कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कुछ गरम मसाला, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर। सो अभी हम लोग गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो गार्लिक है उसको फ्राई कर लेते हैं। इस गार्लिक को फ्राई करके हम लोग एक साइड में फिर रख लेंगे। हो गया फ्राई, इसको लाल करके फ्राई कर लिया। फिर ये ग्रीन चिलीज हम लोग फ्राई कर रहे हैं। फिर इसको होने के बाद हम लोग ऑनियन, चॉप किया हुआ ऑनियन हम लोग फ्राई कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा देर फ्राई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने नमक डाला है। सर नमक डाल के हम लोग फ्राई कर लिया। इसके बाद हम लोग ने बॉईल किया हुआ ये चना है उसको हम ऑनियन के साथ फ्राई करेंगे। सो ये अब तक पूरा तरह की अभी तक पूरा फ्राई नहीं हुआ है। ये इसको गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। सो अभी हम लोग ये हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग चना डाल देते हैं। सो ये चना डाल दिया हम लोग ने। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। बॉईल करते समय हम लोग ने यहाँ पे नमक डाला था। सो हम लोग ने यहाँ पे ज़्यादा नमक नहीं डालना है। सो हम लोग ने नमक ऐड कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। सो हम लोग यहाँ पे मसाला ऐसे कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। मसाला यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला एंड थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल रहा है। ये होने के बाद हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे हम लोग ने मसाला, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर डाल दिया, उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा इसको थोड़ा हम लोग कवर करके थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पहले हम लोग ने फ्राई करके रखा था गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, उसको डालेंगे यहाँ पे। सो
इसको भी मिक्सिंग कर लेते हैं और आपका फाइनली ये चना मसाला तैयार है। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए। और एक बार क्विक रेसिपी है ये, आप बना के इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं ये। ये फाइनली रेडी है। देखिए ये अच्छा तरीके से पका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।